नगर में इस माह घटित दो बड़ी घटनाओं से समाज जन बड़े आक्रोशित हैं। दरअसल इसी माह के बीते दिनों पुराने इंदौर भोपाल मार्ग पर बने हिंदू समाज के मुक्तिधाम स्थित दुकानों में से एक दुकान को नगर के पुनीत संचेती नामक व्यक्ति ने देर रात अंधेरे के शाये में जेसीबी मशीन की मदद से धराशायी कर ध्वस्त कर दिया था। वहीं दूसरा मामला खैरापति तालाब किनारे बने खोकरी माता मंदिर को रात्रि में असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद से समाज जनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं उक्त मामले में लॉकडाउन में जेसीबी मशीन की मदद से दुकान तोड़ने वाले पुनीत संचेती पर कोई कार्रवाई नहीं होना और उक्त जेसीबी मशीन का अब तक जब्त न कर कोई कार्रवाई होना से नाराज से आक्रोशित मुक्तिधाम समिति और वलाई महासंघ ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने एसडीएम अंजू अरुण विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए दुकान तोड़ने वाले पुनीत संचेती पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमने एसडीएम मैडम को इसलिए ज्ञापन सौंपा कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है देवकर्ण भाई पहलवान, उन्होंने शमशान समिति से दुकान ली थी जिसकी दुकान पुनीत संचेती ने तोड़ दी रात में और गाली गलौज करी, उनके खिलाफ झूठा शिकायत करी और हमारे देवकर्ण भैया ने भी दो बार शिकायत कर चुके हैं मगर शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमने आज मैडम को ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई करती तो ठीक है वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। सीओ राष्ट्र से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।